हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज है 22 जनवरी। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने गांव में साफ़ सफाई भी की है, बावड़ी की भी, और बहुत कुछ किया है जो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो ये होती है हमारे गांव में बावड़ी, इसे बावड़ी बोला जाता है। तो ये देखो, दीदी ने बिल्कुल साफ़ कर दिया। मैं नहा रही थी तो इन्होंने कॉल किया था दीदियों ने कि भई आ जाओ, साफ़ सफाई करनी है आज। तो पूरे गांव की औरतें मिलकर साफ़ सफाई कर रही है, पूरी गांव की, अभी जो जो घर में थे वो लोग। तो इस तरह की बावड़ी होती थी पहले ज़माने में। ठाकुरों के राज में, राजद्वार, ठाकुर का दरबार। वीडियो का देखने कोई बात नहीं यार, हम भी मजे कर रहे हैं। जो एंजॉय है वो भी दूर तक पर तो नाम तो नहीं लिख दूं पा दियो मैं ना सुधा किसान को देता था के फिर दे हुआ का कहंदे नोड़े बस मेल दो जो कि लाख सुन वे ते पानी ना दूंगी धीरे होए ते गल पर हेनो बे ए जा जो गाड़ी कौन तोड़ा सो दे तेरे नहीं ते मैं खलोती दाची दाची को खलोते पत्थर पकड़ो भाई, बाहर पत्थर पकड़ो, पत्थर बाहर। तो ये देखो मिट्टी के नीचे से आता है पानी हमारे यहाँ पे, चश्मे का पानी इसको बोलते हैं, चश्मे का पानी। हम इसी पानी को यूज करते हैं पीने के लिए। तो जाओ में बहुत सारा पानी है हमारे गांव में, चश्मे का पानी, हर जगह चश्मे चश्मे। भीतर टॉर्च लाए तो बुई आई नहीं मेरे गुस्सा चला गया। और दे तो थोड़ा दो पूछ इलाज का कर दिन को इतना ही होता भाई। ये तो छड़े और इतनी जा
जैसे कि आप देख रहे कि मैं गलगल के खेत में आ गई हूँ, तो मैं दीदी के खेत में आई हूँ, मेरी जिठानी जी के। तो यहाँ से मैं गलगल ले जा रही हूँ तोड़ के, अचार तो मैंने डाल दिया, तो मैं ले जा रही हूँ मुरब्बा बनाने के, क्योंकि आजकल ना बहुत मन करता है मुरब्बा खाने का, तो पहाड़ों में बहुत मुरब्बा बनता है यहाँ। द्वारा ये पहाड़ी नींबू का पेड़ है, नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि मतलब हमारे सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। इसे अचार, मुरब्बा, जूस कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये लो जी, हमने झोला भर दिया, मेरी दीदी ने मेरा झोला भर दिया। बेचारी दीदी को मैंने आज ठीक लगाया। पूरा बैग भर लिया है। तो ये हम लाए हैं पुदीना, इसमें पुदीना डालेंगे। धनिया तो है नहीं, ना मार्केट में ना घर में धनिया तो है नहीं भाई। ये काट लिया गलगल, इसमें क्या डाला हुआ? मिर्च, गुड़, नमक, गुड़ से ये तो मिक्स हो बढ़िया ना, गुड़ का अच्छा बनता है, चीनी का होता है ठंडा। अदरक नहीं है, हाँ है नहीं, अदरक को चाहिए इसके लिए कच्चा अदरक ना। चलो पुदीना भी अच्छा है इसमें, धनिया नहीं है ना अदरक, घर में तो था मेरा अदरक ना, वो भी ऐसे इतना कच्चा भी नहीं था, घर के ऐसा मेरा अदरक ना तो इतना कच्चा नहीं था। तो ऐसे बनाते हैं हम मुरब्बा, खट्टा मीठा सा और बहुत ही मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, और वैसे खाना चाहिए ये चीज़ें ना। और आजकल सर्दी में अच्छे लगते हैं मुरब्बा खाना, हम तो बहुत खाते हैं पहाड़ी लोग। अच्छा होता है, मैंने पूछा ना डॉक्टर के दांत वगैरह नहीं खराब होते, कौन बोलता है ये तो विटामिन सी होता है। फ्रेंड्स मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लगाया मेरे बेटे ने वजन, तो शाम का टाइम है, आज 22 जनवरी है, तो मैं जला रही हूँ दिए, जो इसे जला कर ले जाऊँगी फिर बाहर लगाऊंगी सब में पूरे आंगन में। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज फिर से एक बार दिवाली आ गई है, सच्ची में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा खुश थी, सारा काम झटपट से करके घर की साफ सफाई करके फिर आज सबसे पहले मैंने सुबह भगवान जी को प्रसाद दिया।